ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर काल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। सन्मानयोग गुरु रूप सात संग जीओ सनिमर फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गालबन अज 7-8 दिन हो गए एक लड़ीवार विचार आपके सामने रखी हुई है। परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख ने जिथे समो ब्रह्मंड नू एक तरतीब दिती है, एक विधान दिता है, उत्थे साड़ी जो एक काया बनाई है ये भी बड़े विधानक ढंग नाल सतगुरां दी बाणी पुत्री तेरी विध कर थाटी। परमात्मा ने विधि विधान दे मुताबक शरीर दा ए पुतला थाटे है बनाया है। पुत्री तेरी विध कर थाटी जान सत होए गो माटी। इस दिच विधानक एदिच तरतीब एदिच नियमावली की है। प्रथम काया पंज तत दी है, फिर शरीर भी पंज ने और पंजा शरीरां दे अपने नाम ने अन्नमयी कोश प्राणमयी कोश मनमयी कोश विज्ञानमयी कोश आनंदमयी कोश। कर्म इंद्रे भी पंज ने, ज्ञान इंद्रे भी पंज ने, रस भी पंज ने। कुछ वेख के रस लेने हैं, कुछ सुन के, कुछ चक के, कुछ स्पर्श करके, कुछ सूंघ के, छेवां रस भी साडे कोल नहीं है। मूल विकार भी पंज ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इस तरह कलगीधर पिता ने भी उस अकाल पुरख दी नियमावली नू अटल रखे है। उन्होंने भी जिस उम्मत नू जन्म दिता उदी झोली विच पंज बाणियां पाईयां, पंज ककार पाए, पर मुफत विच नहीं, पंज सिरां दी मंग कीती। हर चे जूद बरायद देर ना पायद। शेख सादी साहब दा कहना है जेड़ी चीज बिना मुल दे मिल जाए, छेती मिल जाए, मनुख उसकी कदर नहीं करता। कीमत चुकानी पई, पंज सिर चाहिए ने, फिर पंज बाणियां पंज ककार झोली विच पाए। उन्हां पंजां ने कीमत अदा कीती सी। तो मेरस करा साडे ते बख्शिश कर गए, सानू नसीब है। तो इस तरह ये पंज बाणियां सिलसिलावार दास ने इसकी वजाहत आप जी के सामने की। जप जाप सवैये चौपाई आनंद, पंज शरीरां दी भी वजाहत की, पंज तत्तां दी। अज पंज ककारां दी कोशिश करदे हां। उन बन ज्ञान इंद्रे, पंज कर्म इंद्रे, पंज विकार, फिर नदी नाव संजोगी मेले होए ते खुलासा करांगे। अज पंज ककार जिस तरह पंज बाणियां, प्रथम बाणी जप, पहली बाणी जप, फिर जप दे आले दुआले सब कुछ घूमदा है। जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। जप मूल है। सियाने ते इंज कहिंदे ने सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी जप जी साहब दी व्याख्या है, जप जी साहब दा खुलासा है। और जप जी साहब दे च वी जगत गुरु बाबा ने पंज खंड पंज अवस्थावां अध्यात्म मंडल दियां वर्णन कीतियां ने। धर्म खंड, ज्ञान खंड,
सरम खंड करम खंड सच खंड ये विचार भी अपने आप विच काफी लंबी चौड़ी है। किस वक्त फिर पंज ककार जिथे पंज बाणियां दे चों आरंभता जप तो है मूल जप है इस तरह पंज ककारां दे चों मूल ककार केस है बारे बाकी सारे ककार उसके आले दुआले घूमते हैं। मूल ककार बुनियादी ककार केस है ए, मूल है बुनियाद है। कल दास ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अनन सिख भाई नंद लाल जी की विचार तो इस स्पष्ट करने की कोशिश की थी। निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ के हरगिज ना बाशद ई पंज माफ कड़ाकार दो काच कंगा बिदा बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। ये सारिया बाकी चार निशानियां केसा तो बिना प्रवान नहीं ने केस मूल ने भाई साहब भाई नंद लाल केस बुनियाद केस मूल ने। मैं इस देते ही थोड़ा जहा थोड़ा समा लवा। जब कोई मनुख नाम जपदा है तो उसके मन की एकाग्रता बनती है तो जो अध्यात्मक बल अध्यात्मक रस जमा होता है इतने मस्तक दे चौंदा है। दसम द्वार इतने ही है लंबा चौड़ा इसका खुलासा है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। अक्सर तुसी देखा होगा कि महापुरुषों के चित्रां को तो मस्तक दे रोशनी निकलती दिखाते हैं। अध्यात्मक बल अध्यात्मक रस जब मस्तक दे जमा होता है तो मस्तक दे चों कुछ तरंगा निकल दिया। इन्हों संस्कृत दे च कहने ने प्रभा या आभा मंडल मस्तक दे चों निकलता है। ये जो आभा ये जो प्रभा ये जो जमाल मस्तक दे चों निकलता है इस्लाम उसनू जमाल कहता है। वो छेती निकल ना जाए खारिज ना हो जाए केस मदद कर देना है केस सहायक ने मददगार ने वो रस बहुत समय तक बने आ रहे वो स्वाद बहुत समय तक बने आ रहे वो शक्ति मस्तक दे टिकी रहे। लेकिन कई दफा एक केसा चो भी निकल दी है बहुत ही निकल जाती है तो फिर दस्तार मदद कर दी है। इस वास्ते इसकी लोड़ पैगी। इस्लामी जगत दे च भी कोई नंगे सिर नमाज नहीं पढ़ सकता। वेद पाठी भी प्राचीन जिहड़े पुरोहित आउंदे सन दस दस बीस बीस गज दा वड्डा पगड़ सिर ते बन के वेदां दा पाठ करदे सन। अजे भी पुरोहित कुछ इस तरह दे रहे वो जो पाठ करना है वो जो जप करना है उहदे नाल जो रस ते अध्यात्मक बल मस्तक दे जमा होना है दस्तार ते केस उन्हों हिफाजत नाल रख देना है। जैसे धन नू हीरे मोतियां नू रखण लई कोई तिजोरी चाहिए कोई सेफ वो जो रूहानी रस है वो जो अध्यात्मक बल है परमात्मा ने एक तिजोरी बना दिती है केस और फिर इस दे नाल दस्तार। बाकी तन दे जड़े सारे कपड़े ने समाजक ने दस्तार समाजक नहीं है ये धार्मिक है ये धार्मिक लिबास है ये धार्मिक पहरावा है। जंगलां दे जड़े जोगी योग साधना करदे सन ते करीबन करीबन वो कपड़ियां दा ते त्यागी कर चुके सन लेकिन उन्हां दी भी पकड़ दे च एक गल आ गई सी कि सब कुछ इस मस्तक दे जमा होंदा है रूहानी रस अध्यात्मक बल और काफी लंबे समय तक वो बल ते वो रस बनिया रहे। उन्होंने भी महसूस किया कि सिर दे उते कोई दस्तार चाहिए पर ये ते
नांगे कपड़ियां दे त्यागी। इन्हां ने सिर दियां जटावां नूं लंबा कीता, दस दस बीस बीस फुट बोड़ दा दुद्ध पा के केस लंबे हो जांदे ने। भारत दे ऋषि जोगी इस तरह करदे ने, दस दस गज दियां भी जटावां लंबियां कर लैंदे ने, बोड़ दे दुद्ध नाल होंदियां ने। और उन्हां जटावां नूं सिर ते बन लैणा इंज जिवें दस्तार। कहिंदे सन इस दी लोड़ है, मस्तक दे इस दी लोड़ है। और ये अज तो नहीं, बड़े पुराने जमाने तो धार्मिक मनुखां दा धार्मिक लिबास सी, धार्मिक मनुखां दा धार्मिक पहरावा सी। एक छोटा जिहा उदाहरण मैं दें, गल स्पष्ट हो जाएगी। ये भाई गुरदास जी ने एक प्रसंग लिखे है द्वापर युग का, अवंत का, जिसका अजकल नाम उज्जैन है। इत्थे ऋषि संदीपनी का आश्रम से विद्यार्थियों चार वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सिमरतियां आदिक पढ़ाते सन। उस जमाने दे मन्ने हुए वह आचारिया सन, विचारक सन, दार्शनिक सन, पढ़ाते सन। कृष्ण जी इसे कोल ही पढ़न वास्ते गए, संदीपन कोल। ते सुदामे ने पहले दाखला लिया होया सी। कहिंदे ने पढ़ाई देच, ज्ञान देच, शिक्षा लैण देच, ग्रहण करन देच सुदामा अग्गे सी कृष्ण नालों। इन्हां दी दोस्ती होई, मित्रता होई। गुरु भाई दे नाते भरा सन, क्योंकि विद्या गुरु एको ही सी। पर ये भरा दा रिश्ता बहुत गहरी दोस्ती देच बदलिया, मित्रता देच बदलिया। रिश्तियां देच इस एक रिश्ते की लोड़ पै जांदी। कई दफा कोई गल मनुख भरा नूं नहीं दस सकदा, प्यो नूं नहीं कह सकदा, भैण नूं नहीं कह सकदा, पुत्र नूं नहीं कह सकदा, पत्नी नूं भी नहीं कह सकदा। दोस्त चाहिए, कोई मित्र चाहिए। किसी दिन मैं इन रिश्तियां दे संबंध विच भी थोड़े सामने गल करांगा। दोस्त दी भी अपनी लोड़ पै जांदी, हमराज दी भी अपनी लोड़ पै जांदी है। शायद इस वास्ते गुरबाणी ने एक थां ते परमात्मा नूं यार दोस्त मित्र भी कह दिता है। सुन यार हमारे सज्जन एक करो बिनन, बाकी सारे रिश्ते ते जोड़े ने। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तांबो कहया काड़ा जियो। ठीक है, तू मां भी है, प्यो भी है, भ्रा भी है, पर तू यार भी है, तू दोस्त भी है, तू मित्र भी है। आखिर तेरे अगों कुछ गल खोलांगे, दसांगे। तो कृष्ण ते सुदामा यार सन, एक दूजे दे राजदार सन, एक दूजे दे भेद नूं जानदे सन। बड़ी गहरी मित्रता। समां पा के जब दोवां ने अपनी विद्या पूरी की थी, भाई गुरदास जी की लिखी पौड़ी की रोशनी च मैं थोड़े सामने विचार रख रहा, ते दस्तार नूं आधार बना के मैं विचार रख रहा। कहिंदे ने जब पढ़ाई पूरी करके बड़िया बड़िया डिग्रियां लेके श्री कृष्ण ते सुदामा संदीपनी दे आश्रम तो निकले, रब्बी ने कृष्ण जी ते बन गए द्वारका दे राजा। कुछ राजे देश दे च पूजे जांदे ने, कौन जिन्होंने राजनीति नाल धर्म नूं जोड़िया। राम कृष्ण राजे ही सन। एक अयोध्या दा राजा है, एक द्वारका दा राजा है। बहुत छोटा राजपाट सी, ये भी मैं अर्ज करा। अयोध्या दा राजा, यूपी दे राजा भी नहीं, उत्तरी भारत दे राजा नहीं, सिर्फ अयोध्या नरेश।
अयोध्या एक शहर राजधानी के आले दुआले कोई 100-50 कस्बे होर सन जिड़ा राज श्री राम दा सी। इस तो लंबा चौड़ा नहीं सी। सारे भारत दी गल छड़ो सारे यूपी दे राजा भी नहीं सन। श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने द्वारका नरेश सिर्फ द्वारका दे राजा ते द्वारका जिड़ा गुजरात प्रांत है भारत देश गुजरात सूबा उसका एक छोटा जिहा कस्बा है द्वारका। 40-50 हजार की आबादी है इस तो ज्यादा नहीं। मैं तो उत्थे ब्राह्मणा नु कहा बस यही राजपाठ सी श्री कृष्ण का। कहन लगे अद्धी द्वारका समुद्र देश डूब गई है समुद्र के कंडे ते। और आपकी ज्ञात लई अर्ज करा कोई बहुत वड्डा राजपाट कृष्ण कोल नहीं सी। द्वारका राजधानी सी 40-50 आले दुआले कस्बे होर सन बस। सारे गुजरात दे भी राजा नहीं सन। हिंदुस्तान दी ते गल छड्डो कृष्ण ते राम नालों होर कई वड्डे वड्डे राजा पर पूजे गए राम ते कृष्ण। हैरानगी जनक पूजे आ गया क्यों ये धार्मिक सन। इन्होंने राजनीति नू धर्म दे अनुकूल चलाया और अपनी सभा विच राजगुरु भी रखते सन। श्री राम दे गुरु सन विशिष्ट और विश्वामित्र। एक कोल उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी सी एक कोल उन्होंने शास्त्र विद्या सीखी सी। जब ये दोवें राजसभा विच आउंदे सन सिंघासन तो थले बैठते सन राम सिंघासन ते विशिष्ट बैठता सी। राजगुरु की पदवी उच्ची। इस तरह संदीपन या दुर्वाशा कृष्ण दे भी दो गुरु सन दुर्वाशा संदीपन। एक कोल उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी एक कोल शास्त्र विद्या। संदीपनी कोल शास्त्र ज्ञान पढ़िया सी। जदो सभा च आ जाए तो सिंघासन ते संदीपन बैठता सी श्री कृष्ण नहीं बैठते सन। वो दूजे छोटे सिंघासन ते बैठते सन। राजगुरु राजनीति नू चलाना है धर्म दे अनुकूल। धर्म की सच्चाई धर्म की इंसाफ धर्म की प्रेम धर्म की एक निर्वैर जरबा जज्बा एक निर्भय जज्बा ते धर्म की एक समान दृष्टि। जब धर्म नू परिवार दे नाल जोड़ दईए तो परिवार दे कल कलेश मिट जांदा है। धर्म नू व्यवहार दे जोड़ दईए तो व्यवहार दे बेईमानी मिट जांदी है। ते धर्म नू राजनीति नाल जोड़ दईए तो राजनीति दे खून खराबा नहीं आंदा बेइंसाफियां नहीं आंदियां। सच्चाई बदकिस्मती है ना मनुखां दे परिवारक जिंदगी च धर्म है ना व्यवहारक जिंदगी दे च धर्म है ना ही राजनीति दे च धर्म है। चर्चा ही चर्चा है। ये भी मैरस कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह सिख जगत दे च बहुत सारे राजे नाभे दा राजा जींद दा राजा कपूरथले दा राजा पटियाले दा राजा बथेरे राजियां दी कमी। पर महाराजा रणजीत सिंह दा जन्मदिन मनाया जांदा है बरसी मनाई जांदी है। सिख जगत दे उत्ते महाराजा रणजीत सिंह दा बहुत वड्डा प्रभाव है। कारण ये धार्मिक पहले सी राजा बाद सी ये गुरु भगत पहले सी राजा बाद सी। इन्हें राजनीति नू धर्म दे अनुकूल चलाया। इंसाफ सच्चाई प्रेम निर्वैरता निर्भयता समान दृष्टि। आप सुन के हैरान हो गए। जिथे बहुत सारे गुरुद्वारे बनाए महाराजा रणजीत सिंह ने मस्जिदां भी बनाईया मंदिर भी बनाए। जम्मू दा रघुनाथ मंदिर महाराजा रणजीत सिंह दी दित्ती हुई जमीन है उहदा ही दित्ता होया पैसा है। गुरुद्वारे ते सारे बनाए चोटी दे मंदिर उहनां लई भी पैसा दित्ता। बनारस दे विश्वनाथ काशी दा मंदिर उपर जो सोने दा गुंबद है ये महाराजा रणजीत सिंह ने सोना दिता सी। ब्राह्मण लोग अज भी बड़े माण नाल दसदे ने इह उहनां दा है।
और शाही मस्जिद लाहौर दी, शाही मस्जिद सरगोधे दी, उहदे बनाउण विच पैसा महाराजा रणजीत सिंह दा दान दिता, बनाओ वड्डी, बनाओ खास, बनाओ समान दृष्टि। उन्हां दे वजीर अद्धे तो भी ज्यादा मुसलमान सन, यह भी मैं उस कर दिया महाराजा रणजीत सिंह ने वजीरियां जिन्हां नूं दित्तियां समान दृष्टि, वितकरा नहीं, भेदभाव नहीं। उन्हां दे राजपाट दे सारे ही खुश सन, कोई आकी नहीं सी, कोई विद्रोही नहीं सी, कोई बागी नहीं सी। आकी रहे ना कोई जड़ा सी कहने, कोई विद्रोही ना होवे, कोई बागी ना होवे, महाराजा रणजीत सिंह दे राजपाट दे कोई बागी नहीं सी, कोई विद्रोही नहीं सी। राम ते कृष्ण एक धार्मिक राजे सन, धर्म नूं मुख रखिया, ते धर्म दे पंडित भी सन, धर्म पढ़िया भी सी उन्होंने, धर्म दी बड़ी प्रबल साधना भी सी उन्होंने, तो पूजे गए, सन्मानित हुए। है ते छोटा जिहा राजा अयोध्या दा राम पूजे गए समस्त भारत देश, है ते छोटा जिहा राजा द्वारका दा पर पूजे गए सारे इलाके च कृष्ण, क्योंकि धर्म पहले राजनीति बाद। समा पा के जो संदीपनी दे आश्रम तो ये दोवें निकले ने सुदामा ते कृष्ण, एक ते बनिया द्वारका दा राजा पर दूसरा बड़ा मुफलिस करीब सुदामा, रब दी नेत ओ मुफलसी दे दलदल विच फस गया। सवेरे दा है ते शाम नू नहीं, शाम नू है ते सवेरे नहीं, हालत ऐसी बन गई कि दो दिन तो बच्चे भुखे सन सुदामे दे, और पत्नी भी भुखी और खुद भी भुखा और चिंता च पिया। भाई गुरदास इस प्रसंग नू लिख देने, बिपर सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। बामणी घरवाली, सुदामे दी घरवाली कहिंदी है भी थोड़ा जड़ा मित्र है कृष्ण उते राजा है, तुसी जाओ उदे कुल कुछ मंग लियाओ, पर अणखीला बड़ा सी, रब्बी बंदे अणखीले होंदे ने। सुदामा कहन लगा, मेरा मित्र है ओ, मैं कुछ मंगया उसने कुछ दिता, तो मित्रता दा रिश्ता नहीं रहेगा, एक देण वाला एक लेण वाला रिश्ता जो मित्रता दा है उहदे च फर्क आ जाएगा। मैं मंगण लई नहीं जाना, मेरा मित्र है उते, उते मेरा दोस्त है, पर अज दो दिनां दे जद भुखे बच्चे वेखे ते बिलखदी होई पत्नी वेखी ते कहिंदे ने भुख मनुख दे कोल बहुत कुछ करा लैंदी है, बहुत कुछ करा लैंदी है। सुदामा तैयार हो गया ते घरवाली नूं कहिंदा, अच्छा मैं द्वारका जाना। जो चलन लगा ते घरवाली भी धार्मिक सी, कहन लगी वो राजा भी है, वो संत भी है, राजयोगी है, कि खाली हाथ ते ना जाओ, कुछ भेंट करनी होवेगी। सार कितावली का करता कहिंदा, वैद गुरु निरप ज्योतिषी अवर संत डिग जाए, रिकत पान ना जाइए फल दिए फल पाए। इन्हां दे कोलो खैर मुक्तसर मैं अर्ज करा। सुदामा फटी अखां नाल अपनी पत्नी नूं देखदा है, कोई घर विच कुछ खाण नूं ने, मैं नजराना भेटा की रखा, मेरे कोल की है। कहिंदे ने एक मिट्टी दे भांडे विच ऐन थोड़े जिहा चावल पै सन, बिल्कुल मामूली। उह सुदामे दी धोती नाल बन दित्ते, जाओ ऐ ही रख देना, ऐ ही है,
खाली हाथ ते ना होवे, मर्यादा दी पूर्ति ते होवे। ये चल पिया ते भाई गुरदास लिखदे ने, चलिया गिणदा गटिया क्यों कर जाइए कौन मिला है। रस्ते च गीटियां ही गिणदा जा रहा है, कौन मिलन देवेगा, किसने मिलन देना। ओ राजा द्वारपाल खड़े होणगे दरवाजे ते, पहरेदार खड़े होणगे, किसने मैनू जान देना, कौन मिलन देगा। इस तरह सोचा दे सोचदा होया चल रहा है, ते चलदा चलदा पहुंच गया द्वारका। पहुंचा नगर द्वारका, सिंह द्वार खलोता जाए। भाई गुरदास कहिंदे सिंह द्वार महलां दा जिहड़ा मुखी दरवाजा सी ना, उत्थे जाके खड़ा हो गया, पहुंच गया। ते द्वारपाल नूं कहण लगा भई अंदर जाके कह दे मैं मित्र हां श्री कृष्ण दा, गुरु भाई हां, और बाल सखा मित्र हां, बचपन दे यार हां। जाके अंदर कह दे। जो संतरी सी ना द्वारपुल पहरा देण वाला हस पिया, कहण लगा तेरे जैसे पागल इत्थे रोज आउंदे, तेरे जैसे मंगते थे पता नहीं कितने आउंदे, जा एक पासे हो। पहली दफा इतने रुखे ते करड़े बोल भी सुनने पे। पर सुदामा कहिंदा है मित्रा तू इन्ने दो बोल कह दे मैं चला जावांगा। अंदर जाके कह दे थोड़ा बाल सखा मित्र गुरु भाई सुदामा आया है, बस इन्ना ही कह दे। इल्तिजा की थी द्वारपाल नु थोड़ा तरस आ गया भाई है ते पागल, चलो इन्नी गल कह देने। तो वो संतरी अंदर गया, श्री कृष्ण नु दंडौत करके कहन लगा भगवान बाहर एक बंदा आया है ते कहिंदे थोड़ा बाल सखा मित्र है, थोड़ा गुरु भाई है। कृष्ण कहिंदे अच्छा उदी वेशभूषा कैसी है, भाव पहरावा कैसा है। तो उन्हां दिनां च वैश लोगां दे अपने पहरावे हुंदे सन, क्षत्रियां का अपना पहरावा आउंदा सी, ब्राह्मणा का अपना आउंदा सी, शूद्रा का अपना आउंदा सी। वख वख फिरकियां दे साधु ब्रह्मचारी सन्यासी इन्हां दे अपने पहरावे आउंदे सन। पहरावे तो पता चल जाए कौन है। संतां दे अपने पहरावे आउंदे सन, राजनीतिक लोगां दे अपने पहरावे आउंदे सन, पहरावे तो पता चलदा सी ये की है ये कौन है। उस तरह के लिबास बना ले गए सन जिस तरह का मनुख का पेशा होंदा सी या जिस तरह का मनुख का व्यवहार होंदा सी। वेशभूषा कैसी है तो द्वारपाल हाथ जोड़ के कहिंदा भगवान सीस पगाना, एक कवि नरोत्तम ने लिखा है, सूरदास दे समय होए नरोत्तम, महान भगत और अच्छे दार्शनिक। ये द्वारपाल कहिंदा सीस पगाना जगा तन पै प्रभ जाने के आए बसे कहें गामा, पगवन सिर ते पग कोई नहीं, हैरानगी सिर ते पग नहीं है, थोड़ा मित्र किस तरह हो गया, सिर ते पग ही कोई नहीं। 4000 साल पुराना इतिहास है, इसका मतलब पग दी गल सी। पुराना शब्द पग है, दस्तार शब्द अरबी का है, परशियन अरबी, खालसा लफ्ज भी परशियन का है, फारसी का है, खालसा खालस शुद्ध, रहरास अरदास ये शब्द परशियन दे ने, ये भी मैं अर्ज कर दें। दस्तार अरबी का लफ्ज है, पुराना शब्द देश का है पगा। सीस पगा ना जगा तन पै प्रभ
जाने के आए बसे कहें गामा, भगवन सिर ते पग कोई नहीं। हैरानगी, ये कैसा थोड़ा मित्र है और कैसा ऋषि संदीपन का शागिर्द चेला है, ये किस तरह थोड़ा गुरु भाई हो गया, सिर ते पग ही कोई नहीं। शीस पगा ना जगा तन पै प्रव, तन ते जगा भी कोई नहीं। जाने के आए बसे कहें गामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पैर पाहन की नहीं सामा। एक धोती पहनी हुई है, वो भी लीरा लीरा, गल दे चिक दुपट्टा है। ब्राह्मण सी, वेद पाठी सी, भजनीक सी, दुपट्टा वो भी लीरा लीरा। ते भगवन पैरां तो ते इंज पता चलदा जिवें जन्म तो इसनों जुत्ती नसीब नहीं हुई, क्योंकि जुतियां दे पैर दे च निशान ही कोई नहीं। पैर पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल वेख रहो, चक सो बसदा अभरामा। एक बिल्कुल दुबला पतला जिया बंदा खड़ा है बार, हड्डियां दा ढांचा, धरती ते भटकन वाला। कृष्ण कहने ने ए ते ठीक है, पर तू नाम पूछे उसका नाम की है। गुरु भाई आखदा है, मित्र कहता है, पर तू नाम पूछे है। द्वारपाल कहता है हां, नाम उसने दसे। द्वार खड़ो दिज दुर्बल भेख रहो, चक सो बसदा अबरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान नाम अपना सुदामा दसता है। और भाई गुरदास लिखते हैं, जैसे कृष्ण ने सुनिया सुदामा, दूरों देख डंडौत कर, छड सिंघासन हर जी आए। भाई साहब, भाई गुरदास जी खड़े हो गए सिंघासन तो, दूरों वेख्या ऐन दरवाजे दे बाहर खड़ा है, तो दूरों ही डंडौत की, लंबे पै गए, मत्था टेकया, डंडे दी तरह लंबा जड़ा पैना, इनू डंडौत कहंदे ने। डंडौत की विद्या दे सुदामा अगे सी, ज्ञान दे सुदामा अगे सी, गुणा दे सुदामा अगे सी, भक्ति दे सुदामा अगे सी। मित्र है, घर आया है, डंडौत कीती। भाई गुरदास लिख दें, दूरों देख डंडौत कर, छड सिंघासन हर जी आए। पहले दे पर दखना पैरी, पैके लै गल लाए। फिर कोल गए ते परिक्रमा कीतियां चार सुदामे दियां, फिर पैरां दे मत्था टेकया, एक ते दूरों डंडौत कीती, फिर कोल आके परिक्रमा कीती, फिर पैरां दे उत्ते अपना मस्तक रखिया, ते फिर गलवकड़ी चलिया। फिर इत्थे तक ही नहीं, चरणों दुख ले पैर धोए, सिंघासन ऊपर बिठाए। अपने सिंघासन ते बिठा दिता, रुकमणी नूं आखिया परात लियाओ, मैं इहदे चरण धोवां। भाई गुरदास जी कहिंदे ने, चरणों दुख लै ते चरणां नूं धो के ने, जिहड़ा चरणामत सी पी गए। चरणों दुख लै, चरणा दा उदक, चरणा दा जल पी गए। बई भगत है, महापुरख है, भावे मेरा मित्र है, पर ज्ञानी है, भजनीक है, भगत है, रसक है। चरणों दुख लै पैर धोए, सिंघासन ऊपर बिठाए। पूछे कुशल प्यार कर, गुर से वादी कथा सुनाए। ये सब कुछ होया। मैं जो विचार आप जी के सामने रखन लगा हुए, जो कवि नरोत्तम ने लंबा चौड़ा प्रसंग लिखे, तो मैं मुख्तसर रूप अर्ज करा। भाई गुरदास जी इथे तक लिख दें, कृष्ण ने रुकमणी नू आवाज मारी, बुलाया अपनी पटराणी नू। रुकमणी नू आख्या, एक दस्तार पगा लवज उथे लिखे, एक पगा सोने दे थाल विच सजा के लिया, मैं अपने मित्र नू भेंट करनी है।
ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੋਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੋਤੀ ਵੀ ਫਟੀ ਹੋਈ, ਪਗਾ ਬਈ ਇੱਕ ਪਗਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਗਾ ਤਨ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ, ਧੋਤੀ ਵੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੇ ਪਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਉਹ ਥਾਲ ਦੇ ਸਜਾ ਕੇ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ, ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਵੀ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਰੁਕਮਣੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਤਰ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੋ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸੁਦਾਮਾ ਪਛੜੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਆਪ ਸਜਾਈ, ਪਗਾ ਆਪ ਸਜਾਇਆ, ਆਪ ਬਣਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਭਜਨੀਕ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਪੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ, 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਪੱਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਪੱਗ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਪੱਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਪੱਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਨਾਮ ਜਦ ਬੰਦਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਜੋ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਦਸਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਜਨੀਕ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਦਾ ਰਸ, ਇਹਦਾ ਬਲ ਛੇਤੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ, ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਵੇ, ਬਸ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਪੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਸ਼ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸਤਕ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਅਮਨ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵ ਬਕਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੰਜ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅਗੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਕੇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਈਸਾ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ,
भारत दे तमाम ऋषि मुनिया ने भी रखे सन। अज दा एक बड़ा विचारक दार्शनिक भावें उन्हें अपने नाल भगवान लकब भी जोड़ लिया सी, आचार्य रजनीश, मैंने चंगी तरह याद है जबलपुर दे च एक कॉलेज दे च फिलोसफी पढ़ांदा सी। ते मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज दे गुरुपुरब ते जबलपुर जांदा हुंदा सी। एक दिन गुरुद्वारे समा भी मंगण आया सी, उदों जद ए नौकरी करदा सी कॉलेज दे च। बड़ी मुश्किल नाल प्रबंधकां ने रोक पिट के 15 मिनट दिते सन, और जब उसनों सुनिया तो उसका समा वधा लिया भी ठीक है, तो सियाणा पुरश है। मैं उन्होंने कहा भी फिलोसफी पढ़ाता है, दार्शनिक है, सियाणा है, तो हर धर्म की इसने स्टडी भी की है। फिर बाद दे जब कॉलेज 2 महीने छुट्टियां होंगे सन, मई जून, यह भ्रमण कर लग पिया देश का, लोगों ने सुनना आरंभ कर दिता, नौकरी छड़ दिती, साधु बन गया, आश्रम बना लिया, फिर तो लंबा चौड़ा उसका पसारा हो गया। लेकिन गजब की गल यह है, जदो पढ़ांदा सी उदों भी उसने लंबा दाड़ा रखे हुआ ते सिर दे उते केस भी, हालांकि जैन घराने दा सी, जैनी ते केस रखते ही नहीं। ते जद उस तों पुछिया गया तू ते जैनी है, कोई सिख थोड़ी है, जैनी है, ते जैनिया दे ते केसां दा मुंडन कर देना है, तू मुंडन नहीं कीता। कहिंदा नहीं, मेरी आत्मा नहीं मनदी, मेरी जमीर नहीं मनती, मैनू इंज लगता है जिवें इन्हां दी खास लोड़ है, इन्हां दी खास जरूरत है, मैं इन्हां नूं नहीं कट सकता। करीबन करीबन भारत दे तमाम प्राचीन ऋषि मुनि केसाधारी ने। अज भी मैं जब देखदा हिंदुस्तान दे जब रामलीला आउंदी है ना, रामलीला, ते हुण राम दा जोड़ा भी चाहीदा है, विश्वामित्र दा दाड़ा भी चाहीदा है, विशिष्ट दी दाड़ी भी चाहीदी है। तो रामलीला कमेटियां दे जिहड़े मुंतजिम ने ना प्रबंधक, वह बाजारों मुल खरीदते नकलियां दाड़ियां, नकली जूड़े बाजारों खरीद के लिया। मैं मद्रास विच देखा एक कारखाना जिथे नकली जूड़े बनते ने, नकलियां दाड़ियां बनदियां ने, उहदे च बंदियां दे वाल ते नाल जोड़दे ने, पर गऊ दे पूंछ दे वाल, खोतियां दी पूंछ दे वाल कट्ठे करके भी जोड़दे ने। इंज जूड़ा बनता है, इंज दाड़ा बनता है। ते मैं ते भारत दी हर स्टेज ते कहा है कि भारत दा असली स्वरूप साडे कोल है, बाकी किसे कोल नहीं। असी इस देश दे असली बाशिंदे हां, साडे सिर ते जूड़ा राम वर्गा, साडे मुखड़े ते दाड़ी विश्वामित्र वर्गी, विशिष्ट वर्गी। थोड़े कोल ते राम दा स्वरूप नहीं, राम दी आत्मा की खाक होवेगी थोड़े कोल। और मैनू हैरानगी नाल कहना भी पिया, नकली जूड़ा सिर ते है, नकली दाड़ी मुख ते लाइए ते पूजदे हो, ते जिन्हां दे सिर दे ते असली जूड़े ने, असली दाड़ियां ने, नफरत करदे हो, घृणा करदे हो। मनदा उहनां दा मन कि भारत दे तमाम अवतारी पुरश शस्त्रधारी भी सन, केसाधारी भी सन। राम कोल धनुषबाण है, कृष्ण कोल सुदर्शन चक्र है, विश्वामित्र कोल त्रिशूल है, शिवजी कोल त्रिशूल है, सारे ऋषि मुनि शस्त्रधारी केसाधारी। रूहानी दे प्रतीक जितने ने, सब ने केसां दी श्रद्धा रखी, विश्वास रखा। एक सज्जन ने किधरे इंज भी कह दिता सी भी ठीक है, सिर इहदे च रस अध्यात्मक बल जमा हुंदा है, दस्तार ते केस चाहीदे ने, पर मुखड़े दे दाड़े दी ते कोई लोड़ नहीं। और ये भी कुछ सिंघां दे ही प्रश्न सन, इंडिया दे कुछ हिंदू वीरां दे, पर मूंह दे दाड़े दी ते कोई लोड़ नहीं, इहनूं एक पासे कर दईए। मैं कहा इस्त्री पुरश दे च परिपूर्ण परमात्मा ने भेद रखे, दूरों पहचान हो गए इस्त्री है कि पुरुष है।
भेद रखे है परमात्मा ने ईश्वर में। और इंज कहो कि परमात्मा ने उस मदीन नालों नर नू ज्यादा शिंगारिया है, यह भी मैं अर्ज कर रहा अहंकार करके नहीं कह रहा। जितना खूबसूरत शेर है, शेरनी उतनी खूबसूरत नहीं है। शेर दी गर्दन दे भरवे वाल लंबे लंबे केस, वो शेरनी कोल नहीं है। शेरनी शेर दे सामने बिल्कुल फिक्की लगती है। जितना खूबसूरत मोर है, मोरनी उतनी खूबसूरत नहीं है। जिन्होंने पता है लंबे लंबे वाल पंख मोर दे होंगे, मोरनी दे नहीं है। जितना खूबसूरत मोर है उतनी खूबसूरत मोरनी नहीं है। जितना खूबसूरत नर मुर्गा है उतनी मुर्गी नहीं। मुर्गी तो उसके सामने फिक्की लगती है, कलवी भरवी गर्दन ये मुर्गी कोल नहीं है। जितना नर चिड़ा खूबसूरत है मदीन नहीं है। मैं इस ढंग नाल अपनी स्टडी की है, गुस्ताखी माफ, पंछियां दे चौपाए जानवरां दे नर दे खूबसूरती ज्यादा है। रब ने कुछ शिंगारिया है, स्त्री नूं एक शिंगार दे दिता बहुत वड्डा मां होण दा, पुरुष नूं ये शिंगार दिते। पर विपरीत दी कशिश है, पुरुष दे अंदर कशिश स्त्री दी ते स्त्री दे अंदर कशिश पुरुष दी। कई दफा स्त्री पुरुष वर्गा पहरावा पहनना चाहती है ते पुरुष होना चाहती है। कई दफा पुरुष भी कहिंदे ने हे रब तू सानू स्त्री वर्गा बना। विपरीत दी कशिश, तू स्त्री दे चेहरे ते दाढ़ी नहीं बनाई तो साडे ते भी ना, ये नहीं चाहिए। कदी शेर ने ते नहीं आखिया भई ये नाई तू मेरे ये वाल कट दे गर्दन दे ते मैनू शेरनी वर्गा बना दे। कदी मोरनी नहीं आखिया मैनू मोरनी वर्गा बना दे। एक पुरुष ही है कहिंदा मैनू नारी वर्गा बना दे, स्त्री वर्गा बना दे। दाड़ी मुनदा है चार पांच दिन बाद फिर हो जाती है, फिर मुनदा है फिर हो जाती है, तो मतलब कुदरत चाहती है हो गए। और मैं ये भी देखा जिन्हां नूं नहीं आती वह भी बड़ी औखे होंदे ने। एक रागी सिंह है लखनऊ दे च, उस विचारे की किधरे दाड़ी सारी बीमारी करके पुर गई चली गई गए, रोया बड़ा, अरदास की पंज प्यारे ने। तो मैनू कह लगे ज्ञानी जी कोई थोड़ी निगाह थले दवाई हो वे ऐसी तो मैनू दस्यो। मुखड़े ते दाड़ा ही नहीं स्टेज ते बैठ दें शर्म आउंदी है। और बड़ा प्रसिद्ध कीर्तनिया सियाणा कीर्तनिया दाड़ा नहीं है, जेडे खोदे रह जाते नहीं निकलते दाड़ी जिन्हां दी, वह भी औखे होंदे ने। मैनू कहन लगा कोई दवाई होवे ते दसो। मैं के हद हो गई, जिन्हां दी दाड़ी ना होवे ओ दवाई लभदे ने ते जिन्हां दी आ जाए फिर ओह नाई लभदे ने, भवन पुठे पासे पै जांदे ने। सबर किसे नूं भी नहीं है, चैन किसे नूं भी नहीं है, उस पासे चल पैंदे ने। मरदे दम तक भी दाड़ा वधदा रहिंदा, इसदा मतलब प्रकृति चाहुंदी है। ये भेद ईश्वर ने रखे, नहीं मिटाया जा सकता। परमात्मा ने ये भेद रखे, केस रूहानियत दे प्रतीक ने, रूहानियत दी निशानी है। अध्यात्मक बल अध्यात्मक रस अगर जप करदिया किसी नूं प्राप्त भी हो गया तो सिर ते केस नहीं दस्तार नहीं, बहुत लंबे समय तक मस्तक विच नहीं रहेगा, छेती गवा बैठेगा। यह भी मैं कर कुछ भी नहीं, मस्तक देच अगर रस बने ते अध्यात्मक बल बने तिरंगा निकलन तो फिर कुदरती गल है सुते सिद्ध केसा नाल प्यार पै जांदा है, दस्तार नाल प्यार पै जांदा है। केस मूल ने बुनियाद है, जो कलगीधर पिता ने कह दिता ये लाजमी ही धारण करने ने, इन्हां दी बेअदबी नहीं। मस्तक देते बकायदा मसाज होवे ते केस उलझन ना कंगा। कछहरा एक पड़दा जिसका मनोविज्ञानिक ढंग नाल मन दे ते बहुत सोहना असर पैंदा है।
ਕੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੰਧਨ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੜੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਧਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕੜਾ ਸਿਵਾਏ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੱਥ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ। ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਚਿਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, 6 ਇੰਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਰਸ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਰੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਮਨ ਰੱਤਾ, ਸੁੱਪੇ ਦੀ ਸਤਦਾਨ, ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ, ਪੈਰਣ ਪੈਰ ਧਿਆਨ, ਕਮਰ ਬੰਦ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਨ ਜੋ ਬਨ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਬਾਬਾ, ਔਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਕੁਛ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਹੇ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ, ਕਿ ਹਰ ਬੇ ਰੰਗ ਰਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਬੂ ਕਰਦ, ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਸੈਫਰਨ ਐ ਕੇਸਰ। ਐ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਲਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਗੁਲੇ ਹੋਲੀ ਬਵਾਗੇ ਬਹਿਰ ਬੂ ਕਰਦ, ਲਬੇ ਚੋ ਗੁੰਚਾ ਰਾਹ ਅਫਸੰਦਾ ਹੈ ਹੂ ਕਰਦ, ਗੁਲਾਲ ਅਫਸਾਨੀ ਅਸ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦ। ਐ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਛਿੜਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ 5-7 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੁਛ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੇ ਵਾਕ ਕੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਇਆ, ਅਹਿ ਮੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਦੇਵੋ ਨਾ ਦੀਦਾਰੇ। ਬਿਨਾ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣੇ। ਕੇਸ ਤੇ ਮੂਲ ਨੇ, ਕੇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਈਸਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ਼ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਿਆਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਬਕਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਦੇ ਚ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਉੱਡ ਗਏ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਨੇ ਮਸਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਸਤਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਮਸਤਕ ਦੇ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਖਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਭਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰੱਖੋ,
प्रभु दा नाम जपो जो रस बनेगा, रूहानी बल बनेगा, इस केसा ने ते दस्तार ने उसकी मदद करनी है। तो मैं करा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मन नु आनंदित होण वास्ते पंज बाणियां बख्शिश कीतियां, ए खालसे तेनू लाजमी पढ़नियां पैणगियां। और पंज ककार तन दी हिफाजत वास्ते, तन दे शिंगार वास्ते बख्शिश कीते। इंज तन नु सिंह बनाया, मन नु सिख बनाया। ए दो रूप धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सानू प्रदान कीते। मैं इन्हां पंजां दी लगातार थोड़े सामने जो है वजाहत करदा रहा। जप जाप सवैये चौपाई आनंद, ये बाणियां जैसे जो उन्हां बाणियां दी जो खासियत है वह अवस्था उसके अंदर बनेगी। जप करदिया करदिया जप जाप बन जाएगा, जाप बैराग बन जाएगा, बैराग अरदास बन जाएगा, अरदास आनंद बन जाएगा। और ये पंज ककार उस साधु सुभाव दे जो है प्रतीक ने, और बाहरों तन की रक्षा करते हैं, प्रेरणा देने कि असी किसे दे हां। जिस नाल प्यार होवे उहदी हर चीज चंगी लगती है। जिस दिन गुरु नाल प्यार होवेगा, गुरु की दित्ती हुई रहत बहत सब प्यारी लगेगी, सब चंगी लगेगी। सत्संग करदे हां सतगुर रहमत करन, गुरु का प्यार जागे। ताकि गुरु ने यह नियामतां जो साड़ी झोली च पाईआं सन उस नाल भी साडा प्यार पवे। इतनियां विचारां इस वक्त प्रवान करनियां। फिर नदी नाओ संजोगी मेले होए, पंज कर्म इंद्रे, पंज ज्ञान इंद्रे, पंज मूल विकार, पंज रस, इन्हां दी गल किसे वक्त फिर करांगे। बड़े टिकाओ नाल आप सरवण करदे रहो ते महापुरशां ने इस ढंग दा इत्थे सुंदर उपराला कीता कि ते सत्संग दे प्रवाह जारी रहन, चलते रहन। ते अज दासां नूं इंज कहण लगे कि इत्थे लड़ीवार कथा चलती रहे, विद्वान आंदे रहन। तो 25-30 विद्वान दास नाल इंडिया चलते रहिंदे ने, वारी वारी थां थां ते गुरमत समागम आउंदे ने। हिंदुस्तान दे वड्डे वड्डे शहरां च 10-20 जथे, 10-20 प्रचारक ये चलते रहिंदे। तो मैं बेनती की वारी वारी आते रहेंगे, भेजते रहेंगे। और इस तरीके नाल इत्थों दी सिख संगतां नूं इतिहासिक तौर पर, धार्मिक तौर पर गुरबाणी की वाकफियत उस दे च वाधा होगा। साहिब रहमत करन जो कुछ अज तक आपने सरवण किया है सारियां दे हिरदे च वसे, सुनिया होया लेखे लगे, सुनाया होया भी प्रभु की दरगाह दे च कबूल होवे। कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। समूह साध संगत दा और समूह डेरा निवासियां दा और गुरमुख प्यारे महापुरखां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। फुल चुगदी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।